क्या है कि हमारा जो डेटा है, ये डेटा है, ये अभी कॉलम लेवल पे है ऐसे, ठीक है, कॉलम में है ना। अब अगर हम आपको कहें कि इसको रॉ में कन्वर्ट कर दो, मतलब यहां सीरियल नंबर हो जाए, यहां प्लेयर नेम हो जाए और यहां पे रन हो जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके बाद यहां पे आ जाए एक नंबर, ऐसे करके ऐसे हो जाए, तो अगर अभी उसको टाइप करने के लिए बोल दिया जाए तो काफी टफ काम हो जाएगा, रॉ से कॉलम में और कॉलम से रॉ में अगर कन्वर्ट करना है डाटा को तो काफी टाइम लग जाएगा। सिंपल सा काम है, ट्रांसपोज ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। करना क्या है आपको, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ओके, और उसके बाद करना है कंट्रोल सी फॉर कॉपी, जहां पे आपको वो डाटा रखना है वहां पर रख लीजिए कर्सर, यहां आइए और यहां पे आके कहिए ट्रांसपोज, दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो अब क्या हुआ, हमारा जो डाटा रॉ लेवल में था वो कॉलम लेवल में कन्वर्ट हो गया, क्लियर हो गई कहानी, सिंपल सा काम था, समझ में आ गया, कोई इशू नहीं। अब अगर मेरा डाटा कॉलम लेवल पे है और हम आपको कहते हैं इसको रॉ लेवल में डाल दो, यानी कि जैसा पहले था वैसा कर दो, ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और कहेंगे कंट्रोल सी फॉर कॉपी, यहां आते हैं और फिर से कहते हैं हम ट्रांसपोज, क्लियर हो गई कहानी। तो ट्रांसपोज का काम क्या हुआ, कन्वर्ट करना रॉ लेवल को कॉलम लेवल में और कॉलम लेवल को रॉ लेवल में, कोई इशू यहां तक, क्लियर हो गया ट्रांसपोज। इसी लेक्चर में आते हैं हम आगे, कमांड हम लोग जानेंगे कंसोलिडेट के बारे में, ठीक है। अब कंसोलिडेट में क्या है कि यह है सेल डाटा 2013 और यह है सेल डाटा 2014, ऐसे अलग अलग सेल डाटा हमारे पास हो सकते हैं। अब सेल में क्या है, यह सेल्समैन का नाम है और उसने कितना कितना सेल किया है दिसंबर टू जनवरी में, वो ये है, ठीक है। उसी तरीके से वही सेल्समैन 2014 में कितने कितने सेल्स किए हैं, वो ये है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ये कर रही है कि वो 2 साल या 3 साल या 5 साल का परफॉर्मेंस देख रही है कि आप हमारा एक एम्प्लॉय 5 साल में कितना काम किया, रीजन कुछ भी हो सकता है, उनको बोनस देना हो सकता है, टूर देना हो सकता है, प्रमोशन देना हो सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है। तो अब किया क्या जाए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मेरा दीपक कुमार है, यहाँ पे भी दीपक कुमार है, अब करना क्या होगा कि उसको जनवरी का सेल देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमको ये देखना है, कंपैरिजन करना है कि ये सेल्समैन हमारे यहाँ पे भी है, यही सेल्समैन मेरे यहाँ पे भी है, तो अगर हमको इनके 2 साल का परफॉर्मेंस देखना है कि किसने ज्यादा सेल किया, तो यहाँ पे देखते हैं दीपक 20 और 24 44, ठीक है, इसमें 20 था इसमें 24 था, 44 हो गया, तो एक नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, तो इसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा डेटा और उसके साथ ये पूरा का पूरा डेटा दोनों को मर्ज करना पड़ेगा और एक फाइनल रिपोर्ट बनानी होगी, फिर तो उसमें चेक करेंगे कि किसका ज्यादा है, अगर मंथ वाइज पहले होगा, फिर उसके बाद हम ईयर वाइज निकालेंगे कि ईयर वाइज किसने सबसे ज्यादा सेल किया है, करेक्ट है, समझ में आ गया, ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसके लिए काम करते हैं, एक नया सीट क्रिएट कर लेते हैं, एक नया सीट ले लेते हैं चूंकि जिसमें हमको डाटा रखेंगे, तो राइट क्लिक किया और हम यहां से कहते हैं इंसर्ट और हमने कहा सीट वर्कशीट, ये ले लिया हमने वर्कशीट। अब इसमें जो है हम डाटा कैलकुलेट कराएंगे, ठीक है, तो कैलकुलेट कराने के लिए आपको क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आप अपने पुराने नए सीट पे चले जाइए, ठीक है, हम नए सीट पे हैं जहां पे हम डाटा ला रहे हैं फाइनल, फाइनल परफॉर्मेंस, फाइनल सेल्स, ठीक है, ओके, उसमें तो सेल ईयर वाइज लिखा हुआ है, अभी हम फाइनल सेल्स कर रहे हैं,
क्या करेंगे इसके लिए, हम जाएंगे डाटा टैब में, ठीक है, आएंगे कंसोलिडेट में, ठीक है। कंसोलिडेट में जब आ गए तो हमको करना क्या है, हमको वो जो दोनों डाटा था उसका सम करना है या और कुछ करना है? सम करना है, जोड़ी करना है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, काउंट भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, दो डाटा का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम कहते हैं सम, फंक्शन हमारा सम होगा। उसके बाद कहते हैं रेफरेंस, कहां से लाना है, कौन से सीट से लाना है, ये वाला से। तो हम यहां पे जाएंगे, तो हम जैसे ही पहुंचे यहां पे, वो देखिए उस सीट का नाम आ गया, आ गया। उसके बाद हम अपना डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेरा डेटा ये वाला है पहला, करेक्ट है, सेलेक्ट कर लिया। तो उसका रेंज रेफरेंस मिल गया कि ये कहां से डेटा लाया जाएगा, तो इस सीट से लाया जाएगा, ये वाला यहां से यहां तक का रेंज में, ठीक है। इसको हम ऐड करा देते हैं, ऐड हो गया। सेकंड डाटा कहां से सेलेक्ट करना है, यहां से सेलेक्ट करना है, याद रहे आपको ऐड कराते जाना है। अगर तीन होता तो तीनों को ऐड करेंगे, पांच होगा तो पांच को ऐड करेंगे, कम से कम दो तो होना ही चाहिए ऐड करने के लिए। तो हमने इसको भी ऐड करा दिया, क्लियर हो गया। अब हम वापस आ जाते हैं अपने सीट पे, आ गए अपने सीट पे, और हम कहते हैं ओके। तो क्या हुआ, देखिए कि डाटा कैलकुलेट होके आ गया। वेरीफाई कर लेते हैं, 24 और 10 44, यहाँ पे 35 दिया गया है सेकंड वाले का, देखते हैं कि 35 है कि नहीं। 12 और 23, 35 है, लेकिन जो डाटा मेरे पास आया वो डाटा में पता ही नहीं चल रहा है कि किसका क्या है, नाम भी नहीं आ रहा है और मंथ भी नहीं आ रहा है। तो ये हुआ पहला तरीका, हमने क्या गलती की थी वो हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर से आते हैं कंसोलिडेट पे, ये हमने गलती की है कुछ, ठीक है। तो इसमें जितना डाटा है इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, ऐड तो हुआ लेकिन मेरे मतलब का नहीं हुआ, हमने डिलीट कर दिया। फिर से वही काम करेंगे, कंसोलिडेट में आएंगे, यहां से पहला हमने डाटा सेलेक्ट किया, ऐड कराया, दूसरा डाटा सेलेक्ट किया, ऐड कराया, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से हम फाइनल वाले सीट पे। इसमें याद रखिएगा कि आप कंसोलिडेट को कहां से ऑन करेंगे, इस सीट से ऑन करेंगे, आपका कर्सर यहां होगा, आप कंसोलिडेट को ऑन करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे सीट पे जाके अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए यूज लेबल, यहां पे आपको दिख रहा है यूज लेबल, इसका पहले हमने इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम इस दोनों को टिक कर देते हैं कि हमारा टॉप रो और लेफ्ट कॉलम आए, ठीक है। अब हम ओके करते हैं, तो इस बार क्या हुआ, डाटा भी आया और उसके साथ साथ नाम भी आ गया, मंथ भी आ गया और नेम भी आ गया। कौन है देखो तो बाहर, बुलाओ जरा उन लोगों को। तो ये कहानी हो गई। अभी इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस साल का कितना था, ये भी तो आ गया, किस साल में कितना था ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि पड़ रहा है। इसको जानने के लिए फिर हमको इस सीट में जाना ना पड़ेगा, करेक्ट है, ठीक है। तो अब तीसरा काम हम करते हैं, पहला काम दूसरा काम समझ में आ गया, तीसरा काम हमारा क्या होगा। फिर से आते हैं कंसोलिडेट में, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहां आते हैं, सॉरी रेफरेंस में आते हैं, सेलेक्ट किया, ऐड किया, फिर से इसको सेलेक्ट किया और ऐड किया, करेक्ट हो गया। उसके बाद फाइनल सेल्स में आते हैं और यहां पे कहते हैं क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, ओके करते हैं। क्या क्यों नहीं आया, एक मिनट, वो
एक रेफरेंस ऐड हो गया था नीचे वाला, उसको हटा दिए। अब ये देखिए, अब दीपक है, अब इसका कितना था, ये देखिए 20 और 24, टोटल 44। ये ग्रुप है, अब इस ग्रुप को खोलेंगे तब वो दिखाई देगा। समझ में आया? अच्छा, इसमें देखिए आपका ये जो लिखा हुआ रहा वर्किंग विथ, ये आपका फाइल का नाम लिखा हुआ रहा है, आप बाद में इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये सभी में आ जाएगा, इसको बाद में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सीट सॉरी वर्कबुक का नाम आएगा ही आएगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, या तो इसको हटा दो। क्या बोले? नहीं, ये वर्कबुक का नाम आ रहा है ना, ये देखो वर्कबुक का नाम है ना, ये वर्कबुक का नाम आएगा। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते, फॉर एग्जाम्पल आप इसको नहीं रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दो, हटाना है ना, और नहीं तो अगर अलग अलग करना है 2013 और 2014 तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, एक में लिखो कॉपी पेस्ट कर दो, ये पॉसिबिलिटी है, नहीं तो आप एक काम करो, आप सीट का नाम चेंज करो, ठीक है, तो वही सीट का नाम आएगा। ये कहानी क्लियर हो गई? कोई इशू है यहां तक? नहीं ना, कंसोलिडेट समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन डाउट? नहीं बोलो, सेव कर दे, हो जाएगा कंसोलिडेट और ट्रांसपोज।